नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यूपी बोर्ड का कि नहीं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते हैं 10वीं और 12वीं का ऑनलाइन। लेकिन जो YouTube पे बहुत सी वीडियो है जिसमें बताया गया इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो आइडिया है पूरी तरफ से फ्लॉप है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले अपने विद्यालय की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप गूगल पे आके टाइप कर दीजिए यूपी एमएसपी और सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आएगी upmsp.edu.in, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे आना होगा और यहाँ पे लिखा होगा परीक्षा वर्ष 2019 के हाई स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन एवं इंटरमीडिएट के खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक अपलोड तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें। तो आप इस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और विद्यालय लॉगिन बोलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रवेश पत्र है केवल विद्यालय वाले ही डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया यूजर आईडी डालना पड़ेगा विद्यालय का और पासवर्ड। हालांकि ये सब विद्यालय प्रबंधक के पास होता है, हम लोगों के पास नहीं होता है, तो हम लोग इसे नहीं डाउनलोड कर सकते। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि मतलब हम एडमिट कार्ड को यूपी बोर्ड का डाउनलोड नहीं कर सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन अपने स्कूल से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।